आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने पिछले एक महीने से जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है। किसी कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं कहा। ऐसे अगर जेल में डाल देंगे, कह रहे हैं जांच चल रही है। अगर जांच 10 साल चलेगी तो क्या 10 साल जेल में रखेंगे? पहले कोई भी आदमी जेल में जाता था वो तभी जाता था जब कोई अदालत उसको दोषी करार करती थी। अभी इनका नया सिस्टम आया है। जब तक जांच चलेगी, जब तक मुकदमा चलेगा, जेल में रखेंगे। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, तानाशाही है। अरविंद जी को 22 साल से शुगर है, हर रोज इंसुलिन लेते हैं, 50 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। जेल गए, इनकी इंसुलिन बंद कर दी, शुगर 300 से ऊपर पहुंच गई। ऐसे तो इनकी किडनी, लीवर सब खराब हो जाएगा। इसके लिए भी अदालत में जाना पड़ा। ये क्या केजरीवाल जी को खत्म करना चाहते हैं? मैं जानती हूँ, आप सबको देखकर मैं जानती हूँ, आप सबको केजरीवाल जी से बहुत प्यार है। भारत माँ के वो सच्चे लाल हैं। आज
भारत माँ की ये बेटी आपसे विनती करती है, इस देश को बचा लो, इस भारत माँ को बचा लो। ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, तानाशाही से बचा लो। अपने वोट की ताकत को समझो, अपने वोट को। 25 मई को आपको वोट देने जाना है, सभी को जाना है। सभी जाएंगे, प्रॉमिस, सभी जाएंगे। आपके यहाँ हमारे सीनियर लीडर महाबल मिश्रा जी हैं, ये पहले भी आपके यहाँ सांसद रहे हैं, ये आपके सुख दुख में काम आते हैं, इन्होंने बहुत काम किया है। आप सभी इनको वोट देंगे। बटन दबेगा, तानाशाही को हटाएंगे, तानाशाही हटाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, तानाशाही हटाएंगे। हम सब